आज के सेशन में हम ग्रामर के बारे में बात करेंगे। तो सीएपीएफ पेपर 2 के एग्जाम में 6 सेक्शंस आते हैं स्टूडेंट्स, और उन 6 सेक्शन में जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है वो ग्रामर का होता है। और ये ऐसा सेक्शन है जो सबसे कम टाइम लेता है। फाइन, 10-12 मिनट में आपका ग्रामर खत्म, और 25 मार्क्स में आप अगर चाहो तो आप 25 आउट ऑफ 25 भी स्कोर कर सकते हैं। यानी ये ऐसा सेक्शन है स्टूडेंट्स, इतना मैजिकल सेक्शन है कि इसमें इनपुट बहुत कम है, यानी सिर्फ 10-12 मिनट, और आउटपुट बहुत ज्यादा है, 25 सिर में 25 आ गए। ओके, ऐसे में आप 1 घंटा 15 मिनट देते हो, और 80 मार्क्स का होता है, उसमें 80 आउट ऑफ 80 किसी को नहीं आएगा, 70 भी नहीं आएगा, 60 भी नहीं, ओके, 40-45 मैक्सिमम, यानी 50%। और वो भी आप कितना टाइम दे रहे हो, मैंने 3 घंटे में 1 घंटा 15 मिनट आप ऐसे को दे रहे हो, और ग्रामर में 3 घंटे में सिर्फ 10-12 मिनट, अगर हो सकता है कोई 15 मिनट दे दे, 15 मिनट, ओके, 3 घंटा का 15 मिनट ये लेता है, और 25 आउट ऑफ 25 भी स्कोर कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली कैंडिडेट्स ग्रामर को निग्लेक्ट करते हैं, बोलते हैं हो जाएगा मैम, ठीक है 10-12 आ जाते हैं, कैसा है ग्रामर, ठीक है 10-12 आ जाते हैं। जिस सेक्शन में आप 25 आउट ऑफ 25 ला सकते हो, उसमें आप 10-12 में सेटिस्फाइड हो रहे हो, मतलब, और मैम मैंने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया है, मैंने ऐसे की बहुत प्रैक्टिस की है, ये वो, और ग्रामर मैम ग्रामर अब शुरू करूंगा। जबकि ग्रामर सेक्शन ऐसा जिसकी प्रिपरेशन आपको, सपोज 2024 का एग्जाम खत्म हो गया, आप 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ग्रामर का ये है कि आपको सितंबर से ही शुरू कर देना है। सितंबर से लेकर दिसंबर तक आप सिर्फ ग्रामर को अच्छे से पढ़ो, इतना अच्छा पकड़ ले आओ ग्रामर में, इतना अच्छा पकड़ कि आप जो जनवरी फरवरी है ना, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस करो, सिर्फ प्रैक्टिस, ओके, और कुछ नहीं। यानी प्रीवियस ईयर का जितना भी है वो प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट पेपर है उसको प्रैक्टिस करो। मेरा जो वेबसाइट है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, तो उस वेबसाइट में ग्रामर के आपको, एक तो ग्रामर की तो बुक मिलेगी ही मिलेगी, मगर पीडीएफ भी मिलेगी, 54 प्रैक्टिस सेट्स, ओके। तो इसीलिए स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना है कि ग्रामर पे बहुत ध्यान देना है, प्रैक्टिस सेट्स भी मिल जाएंगे वेबसाइट में, चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे, मगर ये जो काम है स्टूडेंट्स, ये आपका मतलब होता है ना कि जनवरी फरवरी में करो तो बहुत अच्छा है, और जब मार्च अप्रैल में जब आप लोग वाकई में राइटिंग शुरू करते हो, बेसिकली राइटिंग मार्च अप्रैल में ही शुरू करना चाहिए, तो जब आप राइटिंग शुरू करते हैं तो ग्रामर की आपको टेंशन नहीं है। हर दिन आप 25 मार्क्स का पेपर आप प्रैक्टिस कर लो हर दिन, ठीक है। अभी जो 54 प्रैक्टिस सेट्स हैं, यानी आप 54 डेज तक आप ग्रामर के प्रैक्टिस कर सकते हो, हर दिन 25 मार्क्स का प्रैक्टिस करना, देखो आपको कितने आ रहे हैं। मेरे से इवैल्यूएशन करवा लो, ग्रामर का तो इवैल्यूएशन ऑल फ्री है, वैसे इस ग्रुप में तो सारे अभी इवैल्यूएशन फ्री है, वैसे ग्रामर के थ्रू आउट इवैल्यूएशन फ्री रहते हैं। गॉट माई पॉइंट? तो स्टूडेंट्स ग्रामर को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, फाइन। अब ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हो स्टूडेंट, ये है 2017 का क्वेश्चन का आंसर बुकलेट, ये यूपीएससी के वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया था, ठीक है। इसी तरह का आपको क्वेश्चन का आंसर बुकलेट एकदम सेम मिलता है, ये यूपीएससी ने अपलोड किया तो हमने डाउनलोड कर लिया। अब आप लोग इसका प्रिंट आउट निकलवा लो 3-4 पेजेस का, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कितने आपकी राइटिंग में कितने वर्ड्स में दो आई मीन 300 वर्ड्स कितने पेजेस में खत्म हो जाते हैं, तो बेटर रहेगा। एग्जाम में वर्ड्स को गिनना तो पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम हमारे पास नहीं रहता है। तो अब हम ग्रामर का इसमें आ रहे हैं, ग्रामर का इंस्ट्रक्शन है आज के वीडियो का जो टॉपिक है, वो ग्रामर का इंस्ट्रक्शन है। अब स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कहीं पे भी एग्जामिनर को फील हुआ कि आपने इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो किया है, तो एक गलत इंप्रेशन तो पड़ जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। ऑफिसर बनने जा रहे हो, आपको आप इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो कर रहे, आप ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो वो गलत इंप्रेशन तो पड़ेगा ही पड़ेगा।
इसीलिए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ग्रामर के अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे प्रेसी का जो इंस्ट्रक्शन होता है स्टूडेंट्स, वो चेंज होता रहता है, तो आप लोग प्रेसी का इंस्ट्रक्शन को आप लोग ध्यान से देखना। मैंने प्रेसी का इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर ली है, अब हम ग्रामर के इंस्ट्रक्शन में आ गए। अब देखिए ग्रामर के इंस्ट्रक्शन में फर्स्ट जो क्वेश्चन है 2017 का देख लीजिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है रीराइट द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, रीराइट करना है ठीक है, जैसे कि डायरेक्टेड यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है, अब रीराइट लिखा है। अब स्टूडेंट सोचते हैं अरे ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है, चलो इसमें लिख दो ठीक है, जो भी आपको लिखना है आर्टिकल फिल इन द ब्लैंक्स कर दिए, मगर ये इंस्ट्रक्शन भूल गए, इसमें क्या लिखा है रीराइट लिखा है, तो यानी आप फिल इन द ब्लैंक्स को भी रीराइट करोगे, पूरा का पूरा लिखोगे। और अजीब बात पता है क्या है, स्टूडेंट्स पूरा लिखते हैं और उसमें भी गलती कर देते हैं। अब जैसे स्टैंड्स लिखा है तो स्टैंड्स का स्टैंड लिख देंगे, एस छोड़ देंगे, तो ये काम नहीं करना ठीक है। ह्यूमैनिज्म टॉलरेंस प्रोग्रेस पूरा का पूरा ईटीसी लिखा है तो पूरा ईटीसी लिख के फुल स्टॉप, मार्जिन के बाहर नहीं जाओगे क्लियर, तो फिल इन द ब्लैंक्स को भी आपको रीराइट करना है, इसीलिए तो स्पेस दिया हुआ है ओके। बात समझ में आ गई, अब आगे देखो ये सारा रीराइट करना होगा फाइन। अब क्या लिखा है, गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग द प्लूरल फॉर्म, ये लिखा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है ताकि एग्जामिनर के दिमाग में क्लैरिटी आए ओके। जैसे मैं बोलती हूँ आर्गुमेंट में आप लोग जब लिखते हो तो इंट्रोडक्शन टर्म दो, ताकि एग्जामिनर के दिमाग में क्लैरिटी आए कि ये जो लाइन है एक्चुअली इंट्रोडक्टरी लाइन्स है। कंक्लूजन लिख रहे हो तो लिखो कंक्लूजन, सिर्फ आर्गुमेंट में कह रही है ऐसे में नहीं, लिखो ये टर्म कंक्लूजन लिखो, ताकि एग्जामिनर के दिमाग में क्लैरिटी आए कि ये भाई कंक्लूजन है, सस्पेंस में मत रखो एग्जामिनर को ठीक है। अब जैसे इसमें लिखा गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी प्लूरल फॉर्म, तो एल्गा है तो ऐसे लिख दो, इसका प्लूरल क्या है एल्गे, ये प्लूरल हो गया ओके। अब मेक सेंटेंसेस यूजिंग प्लूरल फॉर्म, यानी इसी से सेंटेंस बनाना है, तो फिर यहाँ पर आप सेंटेंस लिख दो। और ध्यान रखना सेंटेंस सिंपल बनाओ, एकदम सिंपल ठीक है। अच्छा किसको पता है एल्गे का मतलब, एल्गे का मतलब किसको पता है, मैम वो ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी आता है वो। हाँ सही है। तो अब मैं बोल रही हूँ इसमें से एकदम एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, तो इसका एक सिंपल सेंटेंस क्या बन सकता है, एक सिंपल सेंटेंस बना के बताओ। एल्गी इज प्रेजेंट ऑन टुंड्रा, नहीं टैगा में सर। हाँ एल्गी आर प्रेजेंट, अब देखो अब सुनो मेरी बात, बोल रहा है प्लूरल फॉर्म बनाने, तो यहाँ पर मैंने एल्गे लिख दिया फाइन ओके। अब ये प्लूरल है तो फिर वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा आर हो गया, और फिर प्रेजेंट इन इंड्रा रीजन, बहुत सिंपल है। मैं और सिंपल बताऊं, किसी और कोई और एकदम सिंपल मुझे बताएंगे। एल्गी आर यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिंस। एल्गी आर यूज, एल्गी प्लूरल है सॉरी, प्लूरल एल्गी आर यूज इन मेडिसिन ठीक है, बहुत सिंपल है। और सिंपल कोई बता सकता है, एल्गी इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एल्गी आर टाइप ऑफ माइक्रो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एकदम ऑर्गेनिज्म सही, कितना सिंपल है ठीक है। अब उससे सिंपल कोई बता सकता है, मैं बताती हूँ एल्गी आर ग्रीन इन कलर, कितना सिंपल है।
आपको मार्क्स मिलेंगे, आप ये मत सोचना रही इतना सिंपल बनाया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है, आपको पक्का मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो आप लोगों को ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ना मुझे ना थोड़ा इशू बेस्ड, जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हम ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो थोड़ा इशू बेस्ड हमें ना मतलब कि लिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। जितना सिंपल सेंटेंस लिखोगे स्टूडेंट उतना गलती होने की गुंजाइश उतनी ही कम रहेगी, और जितना आप लोग टेढ़ा मेढ़ा सेंटेंस लिखोगे गलतियां होने की गुंजाइश, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखोगे लंबे सेंटेंसेस लिखोगे तो गलतियां उतनी ज्यादा होगी। ओके, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा अब मैं आ रही हूं, एक सेकेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंजेस, ही फाइंड्स फॉल्ट इन एवरीवन। ओके, तो आपको करेक्ट करके लिखना है, तो आप लोग ध्यान रखना जब भी आप लोग करेक्ट करते हो, करेक्ट सपोज सब कर लिया आपने एकदम ढंग से करेक्शन कर लिया मगर फुल स्टॉप देना भूल गए, ठीक है, फॉल्ट की जगह फॉल्ट्स लिख दिए। ओके, या आप लोग ऐसे लिखे, इसका सही आंसर मैं बता दे, ऐसे लिख दिए, एफ को कैपिटल कर दिए, ठीक है, गड़बड़ हो गया। अब एवरीवन अलग अलग है तो अलग अलग लिखो और फुल स्टॉप लास्ट में। ये सब मिस्टेक मैं देख रही हूँ स्टूडेंट्स में, और इस तरह के मिस्टेक्स होते हैं, तो आप लोग इस तरह के मिस्टेक्स नहीं करोगे, एकदम भी नहीं करोगे। ओके अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, समझ में आया? तो जब भी करेक्ट कर रहे हो तो करेक्ट चीज को इनकरेक्ट मत कर दो, अगर स्पेलिंग नहीं आती है तो दिख रहा है स्पेलिंग तो देख कर लिख दो। ओके, अब मैंने क्या देखा, सैक्रिफाइस की स्पेलिंग गलत सी रही, यहाँ पर सी की जगह एस लिखे हुए हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स करते, तो ये काम नहीं करना है। अब ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? अब मैं कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी कुछ ग्रामर के, किसी स्टूडेंट ने किया है, आपको ये स्क्रीन में नजर आ रहा है, सभी को नजर आ रहा है स्क्रीन में? वेरी यस मैम, क्लियर विजिबल है। नाइस, ठीक है। अब देखिए इस बच्चे ने, आर्या नाम है, इसने कितने सुंदर से लिखा है, अब देखिए फुल स्टॉप पुट करना, इतने अच्छे से सब कुछ नजर आ रहा है। ये एक्चुअली चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स है, ग्रामर का बैच हुआ था तो उसमें ये कैंडिडेट थी। अब देखिए कितना सुंदर लिखा हुआ है, फुल स्टॉप तक नजर आ रहा है। जो नहीं आता है, अब सपोज ग्रामर में मैं एक चीज बताना भूल गई हूँ, सपोज आपने ग्रामर में भी कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है तो आप ऐसे स्ट्राइक ऑफ करोगे, सपोज ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो आप इसको स्ट्राइक ऑफ करोगे, ठीक है। तो अब इसका देखिए आप, इतना अच्छे से लिखा हुआ है, तो आप लोगों को जब आप लोग ग्रामर दे रहे हो, चाहे प्रिपरेशन के साथ दे रहे हो या बिना प्रिपरेशन के दे रहे हो, आप लोगों को लिखना बहुत बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से, गलत हो रहा है ठीक है मगर सुंदर तरीके से लिखो, हैंडराइटिंग भी खराब है मगर लेजिबल लिखो, फुल स्टॉप तक नजर आए इस तरह से लिखो, इसका एक एक लेटर नजर आ रहा है। ओके देखिए, इसको रूल याद नहीं थी वो अलग चीज है मगर इसका एक एक लेटर नजर आ रहा है, आपको इतने अच्छे से लिखना है। ओके चलिए, अब मैं आप लोगों को, ये है सौरभ है, तो कितने मार्क्स आए हैं वो बाद में देखेंगे, इसका ग्रामर का पार्ट देखते हैं। एक तो उसने फोटो अच्छे से नहीं खींचा, जब फोटो अच्छे से नहीं खींचा आप सोचो मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है देखने में। अब इसका ग्रामर का पार्ट देखिए, तो इसने ऐसे कोई मिस्टेक नहीं किया है, फुल स्टॉप दिया है येस्टरडे, मगर इसका इसको ग्रामर के रूल्स ही नहीं पता है। ओके अब देखिए, इसको ग्रामर का रूल नहीं पता, अब देखिए कितने हड़बड़ी में लिख रहे हैं ना, अपने अपने करियर के साथ खेलना, डब्लू देखो कैसे लिखा, ये ई है
मुझे तो ये ई नहीं लग रहा, मुझे ये छोटा पी लग रहा है, वेरी स्मॉल पी, टाइनी पी लग रहा है। देखिए ये ई है, ये ई लग रहा है आप लोगों को, ये एच लग रहा है आप लोगों को, इसको कहते हैं लेजिबिलिटी। अब देखिए किस तरह से इसने लिखा है, ये देखिए बिहेव कैसे लिखा है, आगे देखिए। इसने छोड़ दिया क्वेश्चन, तो इसको ऐसे स्ट्राइक ऑफ करना चाहिए था, वो नहीं किया। ओके, अब मैं एक, ये स्टूडेंट है हिमांशु, सॉरी तो कितना आया था मैं दिखा देती हूँ, एक्चुअली इसका फोन नंबर मैंने है ना हाइड नहीं किया है, तो मुझे बहुत धीरे धीरे ऊपर जाना होगा। ये है इसका, हाँ ओ इसको 75 आया है। अच्छा ग्रामर में 14 आए, 14 कुछ नहीं है सेंटेंस, कुछ भी नहीं है ग्रामर, ऐसे की वजह से इसको अच्छे मार्क्स आ गए। अब हम हिमांशु का देख रहे हैं, हिमांशु को 67 आया है, ग्रामर में 12 आया है। ठीक है हिमांशु का देखिए, ये रहा। फिर भी इसमें ना इसकी राइटिंग सही है, आप देखिए इसने क्या गड़बड़ किया। ये सेंटेंस एकदम सही है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, ये एकदम सही है, इसको मार्क्स मिल सकते थे। करेक्शन क्या था, ए लाल डालना था, तो इसने ए डाल दिया, मगर मैंने इसको मार्क्स नहीं दिए, क्यों, क्योंकि सीनरी में इसने एस कैपिटल रख दिया, एस स्मॉल है यहाँ पर, मगर इसने एस कैपिटल दे दिया, उसको मार्क्स नहीं मिले, क्योंकि कैपिटल लेटर के मिस्टेक ही ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यानी जो चीज सही है उसको आपने गलत कर दिया, ना सही चीज, आई मीन गलत चीज को सही तो कर दिया और लगा के, मगर सही चीज को भी गलत कर दिया यहाँ, इसको मार्क्स नहीं मिले इसकी वजह से। अब ये इस तरह से आप लोगों को, जैसे इसने डॉट दिए, एक तरीके का बुलेट दिया है, वो सब देने की आप लोगों को जरूरत नहीं, सिंपल आप लोगों को आंसर दिखना है। ओके अब देखिए, नॉलेज प्रीसीड एक्सपीरियंस, यहाँ पर ये सब देने की जरूरत नहीं है, जो चीज छोड़ देते हो उसको स्ट्राइक ऑफ करो, ये सब इसको देने की जरूरत नहीं है। फिल इन द ब्लैंक, देखिए इसने 10th में क्या किया, यहाँ पर ऊपर डू लिखा है, जबकि ऊपर में क्या लिखा हुआ है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करना है आपको, रीराइट करना। हालांकि बाद में इसको समझ में आया तो इसने यहाँ पे काटा नहीं, मगर यहाँ पे लिख दिया, इसलिए कहती है वाइटनर लेकर जाओ, प्रेसी में तो करो, मगर कहीं पे आप गलती हो जाए तो ऐसा नहीं, लेजरली यूज करना है। ओके अब यहाँ पर लिखा है चूज द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, इसमें कहीं नहीं लिखा है रीराइट करना, तो आप सिंपल सा ऐसे लिख सकते हो। ओके अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, लिव बाय, महात्मा गांधी हैड लिव बाय द फेथ। अब इसमें दो दो गलती है, पहली गलती क्या है, एल जो होगा वो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है ये कैपिटल लेटर की मिस्टेक है, और दूसरा हैड के बाद B3 आना चाहिए, और फुल स्टॉप पुट नहीं किया इसको मार्क्स, अगर सब कुछ इसका सही होता, फुल स्टॉप पुट नहीं करता, तब भी इसको मार्क्स नहीं मिलता। मार्जिनलाइज पीपल ऑफन लुक डाउन अपॉन बाय, अच्छा इसमें इसने फुल स्टॉप नहीं पुट किया, मार्क्स नहीं मिले हैं, बाकी सब कुछ सही है, फुल स्टॉप नहीं पुट किया, इतना इंपॉर्टेंट है फुल स्टॉप। फिर द कंपनी हैड टू ले ऑफ ऑल द वर्कर्स, अच्छा लिखा है, फुल स्टॉप भी पुट किया है, लेट ऑफ फुल स्टॉप भी है, बाकी सब कुछ सही है। रीसेंट ट्रिप टू बिल्स वॉज हिल्स वॉज अ लेट डाउन, सही है सब कुछ, मगर प्रॉब्लम क्या हुई कि रीसेंट के पहले द लगता है, द रीसेंट ट्रिप टू हिल्स वॉज अ लेट डाउन, एकदम सही है, मगर बस वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे द मिसिंग था, इसीलिए स्टूडेंट्स जितना स्मॉल सेंटेंस आप लोग अगर लिखोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ओके ये वाली चीज एक मैं आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ,
इसका एक ग्रामर का आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर तो क्या ग्रामेटिकल आपको रूल ही नहीं पता तो आपको मिलेगा नहीं मार्क्स, मगर जो इम्पोर्टेंट चीज है फुल स्टॉप पुट करना, कैपिटल लेटर के मिस्टेक, ये सब चीज मुझे देखना है, स्पेलिंग मिस्टेक। ओके अभी देखिए किस तरह से लिखे, ऐसे कोई लिखेगा ऐसे एरो देकर? कितना गलत है तरीका पता है क्या, अगर भूल जाते हैं तो ये करके और फिर यहाँ लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, ये कोई तरीका ही नहीं है। फुल स्टॉप नहीं पुट किया, ठीक है, मगर सिंस ये फिल इन द ब्लैंक से मैंने मार्क्स दे दिया, मगर फुल स्टॉप पुट करना है। ओके आप देखिए इसने क्या किया, चूज द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स, इसको लगा कि इसको रीराइट करना है, कहीं रीराइट लिखा ही नहीं है, इसमें लिखा चूज करना है, तो ठीक है आप सीधे फिल इन द ब्लैंक्स करो। ओके अब देखिए इसने कितने लंबे लंबे सेंटेंसेस फ्रेम किए, पहली चीज सिटीजन में एस होना चाहिए, दूसरी चीज द सिटीजन्स ऑफ मालदीव, अब मालदीव में एम कैपिटल होना चाहिए, इंडिया का आई भी कैपिटल होता है, कंट्री का नाम कैपिटल से होना चाहिए, लिव बाय ऑन रेवेन्यू जनरेटेड बाय टूरिज्म इंडस्ट्री, ठीक है, तो यहाँ लिव बाय नहीं होना चाहिए, खैर ये ऐसे भी गलत है, और अगर देखा जाए तो ये सब भी गलत है, ठीक है, इससे स्मॉल सेंटेंस फ्रेम करोगे ज्यादा अच्छा है। अब इसको ग्रामर, बेसिक ग्रामर की नॉलेज नहीं है तो ये दिक्कत है, मदर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब कैसे पहचानोगे स्टूडेंट्स, रन प्लूरल है एस लगा दोगे सिंगुलर, प्ले प्लूरल है एस लगा दोगे सिंगुलर, राइट प्लूरल है एस लगा दोगे सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, तो वर्ब के लास्ट में आपको एस दिखता है ना तो वो वर्ब सिंगुलर होता है, इज एस दिख रहा है सिंगुलर, वॉज हैज एस दिख रहा है सिंगुलर, डज एस दिख रहा है सिंगुलर, तो मदर सिंगुलर है तो लुक नहीं होगा एस लगेगा, मदर सिंगुलर एस लुक्स डाउन अपॉन द चिल्ड्रन व्हेन ही, अब ही सिंगुलर है, गेट्स लो परसेंटेज इन बोर्ड एग्जाम्स, बस इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक, इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस मैं हमेशा बोलती हूँ मत फ्रेम करो। आर अब ये पैसिव वॉइस होना चाहिए, इसलिए ग्रामर मतलब ग्रामर आना चाहिए स्टूडेंट्स, आप लोग को बहुत अच्छा स्कोर अप कर सकते हो, लेड ऑफ फ्रॉम देयर जॉब, अब इंडियन सोल्जर, अब एक ही इंडियन सोल्जर था नहीं, सोल्जर्स एस लगेगा, इतनी छोटी सी मिस्टेक है मगर फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, इन अ टग ऑफ वॉर विद चाइनीज सोल्जर, टग ऑफ वॉर में तो बहुत सारे होते हैं ना, लेट डाउन द चाइनीज सोल्जर्स विद इन 1 मिनट, हालांकि ये लेट डाउन गलत है, लेट डाउन का मतलब क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन से खरे नहीं उतरना। ओके अच्छा अब ये है, अब कोई क्वेरीज है तो आप लोग पूछिए। अच्छा ओ हाँ ये हम दे सकते हैं, हमें इंग्लिश का कंटेंट पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, हाँ जरूर इसको हम ले सकते हैं। अच्छा इसके अलावा ग्रामर की कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई ग्रामर की क्वेरी है स्टूडेंट्स? ठीक है तो ये सेशन हम यस निशान, शॉर्ट सेंटेंस बनाओगे स्मॉल सेंटेंस बनाओगे, गलतियां होने की गुंजाइश बहुत कम रहेगी, कम रहेगी। ओके चलिए अब हम इस सेशन को एंड करते हैं।